तो लास्ट एपिसोड में बाइकर गैंग की छुट्टी करने के बाद ट्रेवर जैसे अपने घर पे पहुंचता है तो उसका साथी कहता है, भाई यहाँ पर बहुत तोड़फोड़ मचाई गई है और तुम्हारे एब्सेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। पूरा घर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ट्रेवर जाकर चेक करता तो भाई कुछ गुस्सा उसे नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसका फेवरेट सुपर हीरो एक्शन कामे का स्टैचू टूटा हुआ है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, भाई इनके घर का पता लगा, ये लोग कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर इनका अड्डा है, मैं एक एक को मारूंगा और मैं जा रहा हूँ स्नाइपर गन खरीदने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5 और ये है मिशन पार्ट 2 बाइकर गैंग का। अभी फिलहाल ट्रेवर जो है ये जा रहा है एक स्नाइपर गन खरीदने के लिए, बिकॉज उसी स्नाइपर गन से ही ये अपने मिशन को आगे अंजाम दे पाएगा। सो ये रही एमिनेशन शॉप, यहाँ पर हमें खरीदनी है एक स्नाइपर गन और फिर हमें जाना है बाइकर गैंग्स के अड्डे पर। तो गाइस अगर आपको ट्रेवर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, ट्रेवर वो बंदा है जिसने माइकल के साथ और लेस्टर के साथ मिलकर अपने पहले मिशन में एक बहुत ही बड़ी बैंक रॉबरी की थी। उसके बाद माइकल और लेस्टर ऐसा लाइक मैंने उसको लगा था कि वो लोग मर गए हैं गोलियां लगने से, लेकिन वो लोग तो सिटी में रहने लगे, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक ही बंदा आया था जो बच के भाग पाया था, वो था ट्रेवर। ट्रेवर आज भी उनकी नज़रों में ज़िंदा है, इसलिए वो सिटी एरिया में नहीं रहता, वो आउटस्कर्ट एरिया में रहता है, पर ये तो यहाँ पर भी गुंडा ही है। तो भाई जैसे ही ड्राइवर ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये वो लोकेशन है सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं, और नाइट में उसे पूरा का पूरा अपना बदला लेना है। तो भाई पूरी स्नाइपर गन रेडी करके बंदा बैठा रहता है, फ़ोन पे बात करता रहता है अपने फ्रेंड से। तो कहता है, भाई अब एक छजिंदर सा जो उछल रहा है, तो उसका फ्रेंड कहता है, भाई मैं ही हूँ जो तेरे को इशारा करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं हूँ, मेरे साथ साथ हो आओ। तभी उनको एक बंदा दिखाई देता है बाइकर गैंग का, तो भाई उसको ड्राइवर एक ही गोली में गिरा देता है, और भाई उसके बाद लाइटें भी वहाँ पे फोड़ देता है ताकि वो जो लाश वहाँ पर गिरी हुई है वो बाकी गैंग मेंबर्स को ना दिखाई दे। बिकॉज अगर बाकी गैंग में से किसी को दिखाई दी तो भाई फिर मिशन जगह वाला पूरा ख़राब है। फिर तो भाई लाइटें हो गई हैं बिल्कुल ऑफ, तभी गाड़ी में बंदा आता है जिसको पॉसिबली वो लाश ना दिखाई दे, लेकिन गाड़ी के अंदर भी जो लाइट होती है यार हेडलाइट है उससे उसे दिख सकता है, लेकिन उसे नहीं दिखाया, अंधा है बेचारा वो। भाई जैसे ही गाड़ी से बाहर आएगा ना, मुझे लगता है मुझे आते ही इसको निपटा देना चाहिए, बिकॉज उससे ज़्यादा टाइम अगर मैंने लगाया तो भाई कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बंदा जैसे ही स्टेप आउट करता है अपनी गाड़ी से, एक ही गोली में वो भी हो जाता है ख़त्म। और भाई इसकी जो गाड़ी है ये बिना बात के आकर खड़ी हो गई अभी। तभी ऊपर छत पर मुझे बंदा दिखाई देता कि यहाँ पर ये बंदा है, ये भी खतरा हो सकता है, तो मैंने उसको भी निपटा दिया है। और भाई मुझे लगता है ये तीन ही बंदे थे, नहीं पीछे भाई एक और, ये टॉर्च लेकर आया था, टॉर्च लेकर ये रात को आई थिंक सुसु करने निकला होगा। भाई तभी ऊपर एक छत पर बंदा था और उसने लाइटें जलाई थी टॉर्च से, उसको भी मैंने निपटा दिया। अभी फिलहाल यहाँ पर एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ मेरा फ्रेंड है जो इशारे कर रहा दूर से और कहता, भाई तुम मेरे को खबर दे, मैं आगे जा रहा हूँ। भाई खबर क्या देना है, एक भी बंदा तो नहीं बचा, सारे तो मार दिए मैंने। फिर वो कहता, नहीं यार यहाँ पर कुछ हलचल चल रही है जो शायद तेरे को दूर से सुनाई तो नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है, पर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख, यहाँ पर गेट के आगे एक बंदा निकला हुआ है इसको मार, और भाई गेट के आगे एक और बंदा निकला इसको भी मार। भाई दो बंदे निकले, दो गोली में दोनों खराब, मतलब दो गोली में दोनों ख़त्म। अब मेरा फ्रेंड जो है वो उस टैंक तक पहुंच गया जहाँ पर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, और इसी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये सारा मामला स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर एक वो बॉम्ब प्लांट कर रहा है, ये इनका पेट्रोल टैंकर है एक्चुअली, जिससे ये अपने सारे व्हीकल को पेट्रोल देते हैं। और भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, इसका कंप्लीशन अभी आप लोग देखे हुए। भाई तभी एक चॉपर आ जाता है, चॉपर भी इन्हीं लोगों का, भाई ये एयरपोर्ट के पास वाला एरिया है, और भाई अगर मैंने चॉपर पर गोलियाँ चलाई तो सबको पता चलेगा हम लोग यहाँ पर हैं। पर मेरा फ्रेंड कहता है काम करना, तो उसके ड्राइवर को मार दे, कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा लाइक ड्राइवर की वजह से गिर गया सब कुछ। तो भाई जैसे ही हमने ड्राइवर को मारी है गोली, उस टैंकर को ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर गिरा है, मेरा फ्रेंड वहाँ से बच के तो निकल गया, लेकिन उन्हीं लोगों की चपेट में है अभी। मैं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए मैं पहुँच गया उसी लोकेशन पर, और भाई अब होगा धूमधाम और बुआ बोम। भाई मैंने मशीन गन निकाल लिया, भाई जितने बंदे मुझे अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं एक एक करके मैंने सबको मार देना है,
एक बंदा ऊपर था इसको मार दिया, नीचे आया इसको मार दिया भाई। लेकिन अगर आप मैप में देख पा रहे हो इतने सारे रेड डॉट्स, मुझे नहीं लगा था यार इतने सारे बंदे एक साथ यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो भाई जितने जितने बंदे मुझे दिखाई देते रहे मैं उनको मारता रहा। आई थिंक बंदा इस बस के पीछे इसका वेट करना पड़ेगा निकलने का, और जैसे ही निकलेगा ना फिर छुप गया। अरे बड़ा क्विक है, निकलते ही मारना पड़ेगा भाई। जैसे बंदा निकलेगा निकलते ही मार दिया, और ये बंदा यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था इसको भी मार दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ अभी लेने वाला हूँ ये एरोप्लेन, बिकॉज हमें क्या करना है ना इनके एरोप्लेन चुराने हैं जिससे इनका मेन रेवेन्यू होता है। और भाई ये दोनों एरोप्लेन जरा चुराने के बाद हम लोग इनका जो माल है वो किसी और को डिलीवर कर देंगे, और ये एरोप्लेन हो जाएंगे हमारे पर्सनल। तो भाई एक एरोप्लेन हमारे हिस्से में आ चुका है, पर मेरा दोस्त कहता भाई एक एरोप्लेन है इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ, तू बाहर लटका लटका तो जा नहीं पाएगा, तुझे कुछ और व्हीकल लेना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो एक काम कर, आगे एक एरोप्लेन और खड़ा हुआ है तो उसको कब्जा ले और उसको लेके चल, हम दोनों एरोप्लेन लेके निकलेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो भाई ये बात मेरे को भी सही लगती है, मैं नीचे को कूद जाता हूँ और भाई नियर बाई जो एरोप्लेन है ना सबसे जल्दी उसके बाद भाग के पहुँचता हूँ और लटक जाता हूँ भाई। तभी जैसे मैं लटका था ना वैसे ही इनका भी एक गैंग मेम्बर लटक जाता है, उसको लगता है वो भी ड्राइवर है और वो भी कुछ कर पाएगा। लेकिन भैया ड्राइवर एक ही है, ड्राइवर भैया एक ही है को आता है पूरा नशा करना अच्छे से भाई, नशा करके वो ऐसे एरोप्लेन उड़ाता है जैसे किसी ने कभी दुनिया में ना उड़ाया हो। तो भाई फिलहाल एक बंदा और लटका हुआ था, उसको हवा में उड़ा के ड्राइवर निकल के अपना एरोप्लेन लेकर, वो भी लाल कलर का, इस पर आता आई थिंक किसी ने वाइट पेंट किया और आधा पान खा कर थूखा हुआ है। तो भाई कलर इसका बहुत ही बेकार लगा मुझे। फिलहाल हमें क्या करना है, मैप के ऊपर अगर आप एक ब्लू कलर की डॉट देख पा रहे हो तो हमें उस लोकेशन पर जाना है और वहाँ पर एक पैकेट डिलीवर करना है जिसके अंदर बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनेशन, हथियार और ड्रग्स भी हैं। तो भाई उससे होने वाली हमारी मेन इनकम, और उसको ड्रॉप करने के बाद हम इस एरोप्लेन को ले जाएंगे अपने पर्सनल एयरपोर्ट पर, और भाई ये बढ़ाएगा हमारे एयरपोर्ट की शान। और भाई फिलहाल एरोप्लेन बहुत अच्छा चल रहा है इनका। एक बात और बताना, मैंने आप लोगों के लिए लैपटॉप तो ले लिया, चाहे इसके ग्राफिक्स सच में उतने अच्छी हैं, आई मीन लाइक मैं मुझे खेल के तो बड़ा अच्छा लग रहा, बिकॉज इससे पहले मैं मोबाइल गेम खेलता था, मोबाइल गेम्स के बाद ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग एवरी डे बेसिस पे ये वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, क्या बाकी के कंपेरिजन में ये अच्छे ग्राफिक्स हैं या इसको अच्छे ग्राफिक्स नहीं बोल सकते। सो जो भी आपका सजेशन है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या हम इससे भी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव ग्राफिक्स कर सकते हैं वो भी ज़रूर बताना। बस फिलहाल हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, मैंने खोल दिया अपना ढक्कन, और ढक्कन खोलने के बाद यहाँ पर हमें पैकेट करना है डिलीवर। भाई ढक्कन दोबारा खोलना पड़ा है बिकॉज कुछ ग्लिच आ गया था। तो भाई ये है वो लोकेशन जहाँ पर हमें डिलीवर करना है, और भाई पैकेट कर दिया हमने डिलीवर एंड इट वॉज सक्सेसफुल। मैंने भाई अपने बंदे को फ़ोन करके बता दिया फ्रेंड को कि भाई मैंने पैकेट डिलीवर कर दिया, अब चलते हैं अपने एयरपोर्ट पर। तो भाई वो भी इस चीज़ को मान गया है, वो बिल्कुल पास में उड़ा रहा है। और यहाँ येलो वाला जो डॉट है एयरपोर्ट मैप के अंदर, यहाँ पर हमें इसे ड्रॉप करना है, मतलब लैंड कराना है। 500 ज़्यादा ले लेगा बट लैंड करा देगा तो हो जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट की लोकेशन पर हैं अपने, और पास में ही है, ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग। तो अभी हमें करना पड़ेगा स्लो, और भाई लैंडिंग जो है वो थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया है, और मैं आपसे मिलूंगा सीधा लैंड होने के बाद। तो गाइस हम ऑलमोस्ट उस लोकेशन पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें लैंड करना है, एंड दिस इज़ द लोकेशन। येलो कलर का जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है, एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे हमें करना है ड्रॉप मीन्स लैंड, और भाई उसके बाद ये एरोप्लेन हो जाएगा हमारा। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हो एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 295-290 ऐसी चल रही है, बिकॉज एरोप्लेन बहुत तेज़ उड़ता है, लेकिन जब इसे लैंड कराना होता है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट एट ऑल ईजी। भाई ये है वो लोकेशन जहाँ पे हमें लैंड कराना है। भाई हमारे पास जो एयरपोर्ट है इतना कंजूस और इतना हल्का सा है कि इसमें मट्टी से रोड बना हुआ है, भाई फर्श वाला भी नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल मैंने एरोप्लेन कर दिया है लैंड, और ये था हमारा आज का मिशन। बाइकर गैंग को हमने दूसरे पार्ट में लगातार दिखती है कड़ी टक्कर। भाई ये मेरा फ्रेंड जो बिल्कुल हाथ पैर
कुछ जाम हो गए इतनी देर एरोप्लेन चलाने के बाद। मैं कहता हूँ घी दूध खाया करो और सपाटे मारा करो, तुम्हारे हाथ पैर सब खुल जाएंगे, अब आ जाओ नीचे। सो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और क्या चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं ये भी बता देना। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए मिशन के बारे में, जो कि होगा किस चीज़ के बारे में होगा वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड। अपने घर वालों का रखो ध्यान और आप सबको राम राम भाई। लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, बहुत खाना मेरे सपोर्ट चाहिए, खुल के मांग रहा हूँ दे दो। चलिए करते हैं वीडियो को एंड, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।